Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today we will discuss chapter number 2, real and complex numbers. Page number hai hamare paas 15, real and complex numbers. So real numbers hamare paas kya hote hain? Real numbers hamare paas सेट होता है, रियल नंबर का एक सेट होता है जो कि बराबर होता है रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर का यूनियन अगर हम ले लें, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, सो इससे जो है हमारे पास जो सेट आ जाएगा वो रियल नंबर का सेट होगा, यानी कि रियल नंबर सेट हमारे पास बराबर होता है, दिस इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम क्यों भी जाहिर करते हैं, क्यों रैशनल नंबर के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, यूनियन इरैशनल नंबर्स. सो इन दोनों का यूनियन अगर हम ले लें तो इससे जो सेट हमारे पास हासिल होता है तो उसको हम रियल नंबर सेट कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद रखिए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें आयोटा होता है, जो कि आयोटा पे मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 3 आयोटा. सो अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, 3 आयोटा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड पे, बाय जेड. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म वो हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा. ए प्लस बी आयोटा इसका जनरल फॉर्म है. सो इसमें जो ये ए है ये रियल नंबर को जाहिर करता है, रियल नंबर. और ये जो बी आयोटा है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. सो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, ए प्लस बी आयोटा. तो इस चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिटेल. Now radicals and radicands, radicals and radicands. ये हमारे पास क्या होते हैं? For example हम एक general form लेते हैं a ऑफ इन इट स्क्वेयर रूट. तो इसमें हमारे पास इस एन को, यहां पर जो चीज होती है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स. एन इज द इंडेक्स. ऑफ द रेडिकल, इस एन को हम इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहते हैं. वेयर इसको हम रूट कहते हैं, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड द रेडिकल सिंबल. ये जो हमारे पास सिंबल है दिस इज कॉल्ड रेडिकल सिंबल या सिंबल ऑफ रेडिकल. इस तरह ए इज कॉल्ड द रेडिकल. रूट के अंदर जो चीज होती है इसको हम रेडिकेन कहते हैं, ए इज कॉल्ड रेडिकेन.
where this is the nth root of this a. इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि a का nth root है, nth root of a. So n is called the index of the radical, where a is called the radical, index radical, और इसको हम radical symbol कहते हैं. तो ये हमारे पास कुछ जनरल बातें थी जो कि आपको बतानी थी. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, पेज नंबर 64, एक्सरसाइज 2.3. सो एक्सरसाइज 2.3, पेज नंबर 64. राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो इसमें वन नंबर है हमारे पास एन ए वन डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर रूट. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसका आप रेडिकेंड लिख लें और इंडेक्स लिख लें. तो इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, स्क्वेयर रूट की आप वैल्यू लिखेंगे. तो इस ये स्क्वेयर रूट है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2. सो इस 2 को हम कहते हैं, इस 2 को हम कहते हैं इंडेक्स. इंडेक्स क्योंकि यहां पर हमारे पास स्क्वेयर रूट है, तो इसलिए यहां पर 2 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1/2 है. तो 2 है यहां पर, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का हमारे पास इंडेक्स जो है 2 आ गई, 2. और रेडिकेंड क्या होता है, तो रेडिकेंड मैंने अब अभी आपको बताया, रेडिकेंड हमारे पास बराबर होता है जो रूट के अंदर होता है. जिस चीज का आपने रूट लिया हुआ है उसी को हम रेडिकेंड कहते हैं. तो रेडिकेंड हमारे पास है 11/y. ये क्वेश्चन का इंडेक्स और रेडिकेंड हो गया. इस तरह हमारे पास एक और है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 13/3 एक्स क्यूब रूट. और इस तरह क्यूब रूट है. सो इस क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3 है. सो इस 3 को हम इंडेक्स कहते हैं. अब इस एक्सप्रेशन की इंडेक्स हमारे पास 3 है. सो इंडेक्स हमारे पास है 3 फॉर दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस विल बी द रेडिकेंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन. रूट के अंदर जो होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं. सो रेडिकेंड फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल 13/3x. 13/3x. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Now, question number 2. Transform the following radical forms into exponential forms and do not simplify. Radical form में हमें कुछ questions given है, इनको हमने exponential form में convert करना है. For example, इसमें से हमारे पास question number 2 है हमारे पास. Convert radical form to exponential form. So इसमें से हमारे पास question number 1 है, 36√. So उसको हम exponential form में convert करते हैं. यह हमारे पास radical form में है,
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास है 36 और इस स्क्वायर रूट की वैल्यू आप लिखेंगे, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास है 1/2, सो हम लिखेंगे 1/2, यानी कि इस रूट की वैल्यू हमारे पास है 1/2, सो 36 अपनी जगह पे आ गया और रूट की जगह आपने 1/2 लिखा, सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 8 है और क्यूब रूट है इसमें। सो मैंने अभी आपको बताया कि क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास 1/3 की बराबर होती है, यहां पर जो भी चीज होता है वो आप यहां पर लिखेंगे, अगर कुछ ना हो तो आप 1/2 लिखेंगे, इसकी अब वैल्यू हमारे पास 1/2 है, बाय डिफॉल्ट यहां पर 2 होती है, लेकिन अगर यहां पर कुछ गिवन हो तो फिर आप वही चीज लिखेंगे, वही आंसर आप लिखेंगे। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो 8 और क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, सो इसके ऊपर आप 1/3 लिखेंगे इस तरह, बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, इस तरह और क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन VI नंबर 3x^1 और क्यू, सो ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, -64 क्यूब रूट, सो आप -64 लिखेंगे और क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, इसको हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। इनटू रेडिकल फॉर्म, सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, -7^1/3, अभी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंट है इसमें, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू रेडिकल फॉर्म, यानी कि रूट इसमें आ जाए, सो -7 और 1/3 की जगह हम लिखेंगे क्यूब रूट, इस तरह 1/3 हमारे पास बराबर होता है क्यूब रूट की, तो इस 1/3 की जगह आप लिखेंगे क्यूब रूट, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और रेडिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने कन्वर्ट किया रेडिकल फॉर्म में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x^-3/2, सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x^-3/1/2, अगर हम इस -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यू विल गेट -3/2, सो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x^3 और इस की जगह 1/2 की जगह आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं, 1/2 हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की, सो इस 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 3x^1/q,
सो 3x, और ये 1 ओवर q है, तो ये हमारे पास इस रूट के बराबर होगा। 1 बाई क्यू हमारे पास बराबर होगा इस रूट का, अगर इसका अगर हम अगर रूट ले रहे तो ये 1, और यहाँ पर जो भी चीज होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो 1 बाई क्यू होता है, तो 1 बाई क्यू की जगह हम यह लिख सकते हैं, तो इस 1 बाई क्यू की जगह हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बेस और एक्सपोनेंट आप जानते हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट्स, और इसके साथ वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स टू द पावर क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 8, सो इसमें से हमारे पास 3 एक्सपोनेंट है, 3 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट जिस भी चीज का हो उसको हम बेस कहते हैं, जिस चीज का पावर हो उसको हम बेस कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, बेस पावर भी कहते हैं, इसको हम बेस कहेंगे, बेस। और इक्वल साइन की राइट साइड पे जो वैल्यू, जो एंसर गिवन हो, जो डिजिट गिवन हो, उसको हम वैल्यू कहते हैं। एक्सपोनेंट या पावर, बेस और ये वैल्यू हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन है इसमें, तो हम इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।